Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalam o Alaikum dear students, I am Yawar Abbas. I hope you all will be fine. Today we start 9th class math lecture unit 7. Exercise 7.2 continue करेंगे. हम solve कर रहे थे इसको. पहले हमने question number 1 किया था. Absolute value के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. उसकी examples की थी और उसके साथ question number 1 जो था true false वो हमने किया था. तो आज हम जो lecture start कर रहे हैं वो 7.2 का ही question number 2 है. Absolute value के हमने solve out करना है. तो आपका question है solve for x question number 2. अब इसके some parts हैं तो solve करते हैं. तो let's start today lecture. Question number 2 का first part अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन है. तो इसमें अगर आप देखें हमारे पास क्या है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4. एब्सोल्यूट वैल्यू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू अब 4. अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में मैंने एक पूरा टॉपिक बताया हुआ. उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये चीज़ थी कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पर उसमें आप लोगों के पास आता है प्लस माइनस. दो दफ़ा उसको लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ. तो देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. इट्स मीन्स एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखें 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस का और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 4. बाकी का हम सिंपली ये लीनियर इक्वेशन वाला 4 प्लस 5 3x 4 माइनस 4 प्लस माइनस 4 प्लस 5. तो 3x इज इक्वल टू 9 एंड 3x इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू 9 ओवर 3 एंड x इज इक्वल टू 1 ओवर 3. तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 ओवर 3. इट्स मीन्स डैट इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया दो वैल्यू आई हैं. कौन सी वैल्यू है सोल्यूशन सेट जब हम इसका लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 1 बाय 3. 3 एंड 1 बाय 3 एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से सॉल्व हुआ. इसी मेथड के जरिए हम सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करें तो वो अगर आप देखें वो हमारे पास है 1 ओवर 2 3x प्लस 2 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सेकेंड पार्ट माइनस 4 इज इक्वल टू 0 नहीं है बल्कि माइनस 4 इज इक्वल टू 11. तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहली बात यह है कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को एक तरफ रख लें बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाएं. ठीक है तो देखें कैसे होगा. 1 नंबर 2 इधर ही 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 11 प्लस 4. तो 1 नंबर 2 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 50. तो ये 2 डिवाइड हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई जब होगा तो देखें 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 टू द 30. अब अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट की तरह आपका क्वेश्चन बन गया है. फर्स्ट पार्ट की तरह एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस के साथ इसको लिख लेंगे तो 3x प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू साइन खत्म हो गया प्लस माइनस 30. तो इट्स मीन्स डैट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 30. तो आगे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे 30 माइनस 2 एंड माइनस 30 माइनस 2. 3x इज इक्वल टू 28 एंड 3x इज इक्वल टू माइनस 32. तो x इज इक्वल टू 28 ओवर 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 32 ओवर 3. तो इसके भी हमारे पास दो आंसर आ गए. तो सॉल्यूशन सेट में हम ये दोनों आंसर लिख देंगे. सॉल्यूशन सेट इसका क्या आया 28 ओवर 3 एंड माइनस 32 ओवर 3. अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है यही क्वेश्चन है. क्वेश्चन देख लिया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11. बहुत आसान एब्सोल्यूट वैल्यू 2x प्लस 5 है इक्वल में आ रहा है 11. इक्वल में क्या आ रहा है 11. तो फर्स्ट पार्ट की तरह बिल्कुल आसान सा एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे. तो देखिए 2x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू जब ख़त्म करेंगे साइन तो प्लस माइनस 11 आ जाएगा. तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 11. तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एंड 2x इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 5. 2x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 2x इज इक्वल टू माइनस 16. x इज इक्वल टू 6 बाय 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 16 बाय 2. तो हेयर x इज इक्वल टू 3 एंड हेयर x इज इक्वल टू माइनस 8. सो सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 एंड माइनस 8.
एज इट इज़ सेम टू सेम पार्ट वन की तरह। अब आज के लिए इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास कौन सा, फोर्थ पार्ट। वो हमारे पास कौन सा है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। आप लोगों ने इसकी एक प्रॉपर्टी भी इस तरीके से याद हो जाएगी आप लोगों को, और आप लोगों का क्वेश्चन भी फोर्थ पार्ट इसका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो देखिए, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 3x 3 + 2x, फोर्थ पार्ट है 3 + 2x इज इक्वल टू 6x - 7, 6x - 7। इसमें एक चीज़ याद रखें, एक प्रॉपर्टी के तौर पर जब दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही हो, दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही हो, तो आप लोगों ने जब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करना है तो एक साइड पे प्लस माइनस लगना है। दोनों साइड पे ख़त्म होंगी, लेकिन साइन जो है प्लस माइनस का वो एक ही साइड पे लगना, चाहे लेफ्ट साइड पे लगा लें चाहे राइट हैंड साइड पे लगा लें। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो एब्सोल्यूट साइन ख़त्म किया मैंने, 3 + 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6x - 7। अब मैंने जो है अपने राइट साइड पे वैल्यूज़ के साथ प्लस माइनस लगा दिया। ओके, तो आगे तो सिंपल है, 3 + 2x इज इक्वल टू 6x - 7 एंड 3 + 2x इज इक्वल टू -6x - 7। एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा एज इट इज लिख देते हैं, इक्वल हो जाएंगे 6x - 7 एंड 3 + 2x इज इक्वल टू -6x + 7। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए x वाली वैल्यू एक तरफ करते हैं, 3x - 6x इज इक्वल टू -7 - 2 एंड 2x + 6x इज इक्वल टू 7 - 3। तो यहाँ पे आ गया -3x और यहाँ पे आ गया -9 एंड यहाँ पे आ गया 8x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, सॉरी 4। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -9/-3 एंड x इज इक्वल टू 4/8। सो ये कटिंग हो गई, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। इट्स मीन्स डैट सॉल्यूशन सेट जो आ रहा है इसका, वो आ रहा है 3 and 1/2 का, 3 and 1/2 का इसका क्या आ रहा है हमारे पास सॉल्यूशन सेट। ठीक है, 5/2 आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे इसका चेक कर लेते हैं, हमारे पास कोई मिस्टेक हुई हो, 5/2। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 + 7 - 3 हो जाएगा हमारे पास, 1/2 आंसर आ रहा है, और हमारे पास 5/4, 1/2 हमारे पास यहाँ से है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें -7 3x + 2 6x - 7, तो 2, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 उधर जाके माइनस हो गया, तो 3x यहाँ पे आ गया -6x - 3x इज इक्वल टू -7 - -9। तो -9 हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास आंसर हमारा ये बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, तो उसको देख लेते हैं। हमारे पास 3 + 2x, ठीक है, वैल्यू चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन की मैं एक दफ़ा, 3 + 2x और 6 - 7, 3 + 2x और 6 - 7, ठीक है, 3 + 2x और 6 - 7, ये यहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 3 + 2x है, तो मैंने x जो है वो इसके साथ लगाया हुआ था 3 के साथ, ये इसको सही कर लेते हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो 3 + 2x यहाँ पे भी आ जाएगा, 3 + 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2x - 6x यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, -7 और -3, और अब यहाँ पे अगर आप देखें -4x यहाँ पे हमारे पास अब हो जाएगा -10। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, तो ये अब देखें हमारे पास क्या आएगा, -10/-4, तो कटिंग की तो 5/2 एक्यूरेट आंसर हमारा बुक के अकॉर्डिंग आ गया 5/2। बाई मिस्टेक यहाँ पे मेरे पास 3 के साथ x और 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गया था। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से ये लेक्चर समझ आ गया होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को किस तरह सॉल्व आउट करते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन की, तो आप फीडबैक करके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कोई भी क्यूरी हो आपको क्वेश्चन रिलेटेड। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो उनको लाइक्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मोर अपडेट्स चैनल की मिलती रहें और आपको वीडियोस जो हैं वो मोर आपको मिलती रहे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, ओके अल्लाह।